सो गाइस ये है पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री में क्या था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि स्मार्ट स्विच को मोबाइल के साथ एंड वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। पर एक चीज का ध्यान रखना, ये तभी कनेक्ट होगा जब आपके घर में वाईफाई होगा। बिना वाईफाई ये आपके मोबाइल से कनेक्ट नहीं होगा। आप खाली मैन्युअली स्विच दबा दबा के आप अपना काम चला सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये आपको दिख रही होगी छोटी सी लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब ऐसा, ये पेयरिंग मोड पे चला गया। ये पेयरिंग मोड के लिए इसके ना तो कोई स्विच होता है, ना तो कोई रिसेट स्विच होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसको बस ये सिस्टम को पावर दिया और ये पेयरिंग मोड पे चला जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बता दूँ मोबाइल एप्लीकेशन से इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहाँ पे हमें सर्च करना है होममेड स्मार्ट। इसके बाद हमें इसे इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ लॉगिन का आएगा पूरा, आपको अपने हिसाब से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी। ऐसी स्क्रीन खुलने के बाद क्या करना है, ये ऊपर जो आप प्लस का साइन देख रहे हैं उसे क्लिक करना है। यहाँ पे करना है ऐड डिवाइस। ये चीज का ध्यान रखना कि वाईफाई आपका कनेक्ट रहना ही चाहिए। यहाँ पे फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे डिस्कवरिंग डिवाइस। ये ऑटोमेटिक सर्च करेगा कौन सा डिवाइस जो है वो मेरे पास में है। तो ये देख सकते हैं ये फोर स्विच वाला डिवाइस पास में। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐड करना है। अब ये पूछेगा कौन सा वाईफाई आपको कनेक्ट करना है। तो ये मेरा ये वाला वाईफाई, यहाँ से इसको मैं करूंगा नेक्स्ट। और यहाँ से बिंग एडेड का ऑप्शन आ गया। दो चार या पांच या दस सेकंड रुकना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक इसको ऐड कर देगा। तो स्विच जो है वो मेरा ऐड हो चुका है। तो अभी करना है डन। डन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो पहला मैं जब ये स्विच दबाऊंगा तो मेरा फर्स्ट स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर का आ जाएगा, जैसे स्विच टू, स्विच थ्री, स्विच फोर। और ये मेरे चारों स्विच का नाम है फोर स्विच। तो अभी मैं चाहूँ तो इस स्विच का नाम भी बदल सकता हूँ। जैसे इसको क्लिक किया, वन टू, ऐसे आप चारों स्विच का नाम बदल सकते हैं। अब दूसरी चीज है ये ऑल ऑन, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करना है तो यहाँ पे सारे स्विचेस ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे ये दबाओगे तो सारे स्विचेस ऑफ हो जाएंगे। अब ये है टाइमर। अब मुझे फर्स्ट स्विच का जो है टाइमर क्या रखना है, तो जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ये एएम का टाइम है और ये पीएम का टाइम है। एएम का मतलब रात के 12 बजे और पीएम का मतलब दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बज के एक मिनट पे अगर मैं सेव करूँ तो मेरी स्विचेज जो है वो फर्स्ट स्विच है वो ऑन हो जाएगी। और यहाँ से एक और शेड्यूल करके 12:02 पे मैं अगर इसको चाहूँ सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ऑफ करना है तो ये ऑफ हो जाएगी। फिर करना है सेव। तो ऐसे करके आप सारे स्विचेस को कॉन्फिगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दूसरा ऑप्शन आता है इंचिंग। इंचिंग मतलब कैसा है कि अगर समझिए अगर आपकी लाइट चालू है और आपको कितनी देर में बंद करनी है तो यहाँ से आप उसका भी सेट कर सकते हैं। इंचिंग को क्लिक करेंगे तो दूसरा या तीसरा आप दबाएंगे 3 सेकंड में वो लाइट बंद हो जाएगी। और ये है मास्टर स्विच, मतलब ठीक है कोई काम की नहीं है। तो ये था इसका सिस्टम। और आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं कॉमन, या एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से भी आप इसको एक साथ शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।